प्रयागराज, उमेश पाल हत्याकांड, पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा का बयान। एसटीएफ ने हत्याकांड में एक आरोपी सदाकत खान को भी गिरफ्तार किया है। ये भागने की फिराक में था, एसटीएफ ने इसे पकड़ा है। हत्याकांड की पूरी साजिश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हाउस हॉस्टल में रची गई थी। आज मारे गए बदमाश अरबाज 50,000 का इनामी था। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। पूछताछ होने के बाद आज जो है दोपहर में इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। अभी जो सूचनाएं दी गई हैं वो स्टेज पे मैं आपसे संशेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो इन्होंने सूचनाएं दी हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक बार नाम इनका फिर से बता दीजिए। इनका नाम है सदाकत खान। सदाकत सनाव शमशाद खान, निवासी 12 थाना गहमर, जनपद काशीपुर। मैं पूरी बात बता दें। इनका रोल ये है कि इनका जो मुस्लिम हॉस्टल के अंदर कमरा है, उस कमरे के अंदर साजिश की बात इनके द्वारा बताई गई है और जो उसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं उनके नाम इन्होंने बताए हैं। उसमें व्हाट्सएप कॉलिंग से जो कॉल आया है और उस कॉल के बारे में इन्होंने कुछ डिटेल्स डाइवर्ज किए हैं। इनकी जो पूछताछ के दौरान इन्होंने सूचनाएं दी हैं, इसके संबंध में पुलिस की टीम के द्वारा इनके रूम की तलाशी ली गई और रूम की तलाशी में कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। उसकी बरामदगी के बाद ये जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में ये डिवाइडर से टकराए और डिवाइडर से टकरा के ये गिरे हैं। डिवाइडर से टकरा के गिरने में इनको चोट आई है और इनको चोट आने के बाद इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। हाँ, इनको चोट लगी है, इनको क्योंकि एक संग ये निकलने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ थोड़ा कुछ भीड़ा भी, ये भागने का लाभ उठा के फ़ायदा उठा के भागने का प्रयास किए। भागने के प्रयास में डिवाइडर से टकरा के गिरे हैं। गिरने से इनको चोट आई है, उपचार के लिए अभी इनको हॉस्पिटल ले जाया। विश्वविद्यालय के छात्र हैं क्या? अरे ये छात्र हैं। अभी मैं इसके और डिटेल्स दूंगा क्योंकि मैंने ये वहाँ पे हाँ ये उसके LLB के छात्र अभी बताया है इन्होंने, हम तस्दीक कर रहे हैं और इनके द्वारा नई छात्र हैं द्वारा बताया, अभी हम तस्दीक कर रहे हैं कि ये दी हुई इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन अभी जो है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। इसमें जो मुकदमा अपराध संख्या 114/23 थाना धूमनगंज है, इसमें कुछ नामजद जो आरोपी हैं और कुछ जो अभी प्रकाश में आए हैं, जिस पर भी मैं क्योंकि ऑपरेशंस प्रभावित ना हों